सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी की एक बार फिर से मेरे बीजीएमआई के एक और नए वीडियो में। सो गाइस यार, इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं हाउ टू हाइड करियर रिजल्ट इन बीजीएमआई, यानी कि आप लोग अपना करियर रिजल्ट हाइड करना चाहते हो, आपने कितने मैच खेले एंड कितने आपने किल्स किए, वो सारी चीज़ें आप लोग नहीं चाहते कि कोई भी आपका फ्रेंड या फिर कोई भी अलग बंदा देखे, तो आप लोग उस चीज़ को भी हाइड कर सकते हो। और कैसे हाइड कर सकते हो तो वो तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, और कैसे अनहाइड कर सकते हो वो भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, और गाइस अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो यार, मैं आपको फटाफट से बता दूं कि आपको कैसे हाइड एंड कैसे अनहाइड करना है, ठीक है। तो गाइस यार, सबसे पहले आपको आईडी में अपना जो है सेटिंग्स में जाना है, एंड सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अपने नीचे आना है। नीचे आपको मिलेगा एक प्राइवेसी एंड सोशल करके, तो आपको सिंपल से यहाँ पर डायरेक्ट आ जाना है, ठीक है। एंड इतना करने के बाद आपको थोड़ा सा और नीचे आना है, एंड आपको यहाँ पर मिलेगा एक ऑप्शन कनेक्शन का। तो कनेक्शन में जैसे आप लोग आओगे तो आप लोग यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन ही मिल जाएगा, जिसमें कि आपको दिया गया है अलाउ अदर टू सी रिजल्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप लोग का इनेबल रहेगा, तो सिंपल से आपको इसको डिसेबल कर देना है। एंड जैसे आप लोग उसको डिसेबल कर दोगे तो आपका जो करियर रिजल्ट रहेगा वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आपने कितने मैच खेले, कितने किल्स किए उसके अंदर, और जो भी आप लोग यहाँ पे देखते, तो वो आप लोग का यहाँ पे हाइड हो चुका है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं तुम लोग को यहाँ पे दिखाऊं, तो देखो फिलहाल मैंने अभी अपना हाइड किया, तो देखो मेरे अकाउंट के अंदर मैं देख पाऊंगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ स्लाइड करके एंड अपने जो भी करियर रिजल्ट के अंदर जाता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, क्योंकि यार मैं अपने डिवाइस के अंदर मैं तो खुद देख सकता हूँ, मेरे यहाँ पे हाइड नहीं होगा, ठीक है, मेरे लिए। लेकिन अगर कोई और बंदा देखा तो उसके लिए हाइड हो चुका होगा, वो यहाँ पे मेरे को नहीं देख पाएगा मेरे करियर रिजल्ट को, ठीक है। और एग्जाम्पल के मैं तुमको दिखाऊं, तो मेरे पास एक और आईडी जिसके अंदर की मैंने ये सेटिंग्स को ऑफ कर रखा है, और जैसे कि फर्स्ट के ऊपर जो भी आ रहा है आईडी, ये मेरा ही आईडी जिसमें मेरे फोन बगल में रखा है, एंड इसमें भी मैंने आपको सेम चीज़ें करके कर दी है, ठीक है। तो चलो दिखाता हूं कि आपको यहाँ पे इसमें जो करियर रिजल्ट आपको कैसे देगा अगर आप लोग हाइड कर दोगे, ठीक है। तो अगर आप लोग अपना करियर रिजल्ट हाइड कर दो, अगर कोई दूसरा बंदा दिखेगा तो उसको कुछ इस तरीके से ब्लैंक स्क्रीन दिखेगा, एंड वहाँ पर कोई भी आपका किल्स कोई भी मैचेस आपको यहाँ उसका जो उसको जो है आपका दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपना करियर रिजल्ट हाइड कर सकते हो। और अनहाइड करने का भी सेम तरीका है, आपको वहीं सेटिंग्स में जाना है, एंड सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोग का जाना है सोशल एंड प्राइवेसी के अंदर कनेक्शन पर जाकर आपको यहाँ पर सिंपल इसको इनेबल कर देना है, एंड इसके बाद आपका जो है करियर रिजल्ट अनहाइड हो जाएगा। अब उसके बाद आप लोग के हर कोई बंदा जो आपके करियर रिजल्ट को देख पाएगा, आपने कितने किल्स किए, कितने मैचेस के लिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे वो देख पाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है, आप लोग इस तरीके से अपना जो है करियर रिजल्ट हाइड या फिर अनहाइड कर सकते हो। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, एंड साथ ही जो लोग भी चैनल के ऊपर नहीं है तो यार मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, एंड साथ ही वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो वीडियो देखिए आप सभी के फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।